बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने फैंस को बड़ी ट्रीट दी है। एक्टर की अपकमिंग फिल्म छावा का पावरफुल टीजर रिलीज हो गया है। इस मूवी में विक्की के अपोजिट रश्मिका मंदाना नजर आएंगी। छत्रपति संभाजी महाराज के शौर्य की कहानी दिखाती ये फिल्म 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। छावा के टीजर में विक्की इंटेंस वॉर सीन परफॉर्म करते दिख रहे हैं। टीजर छत्रपति संभाजी महाराज की इंट्रोडक्शन के साथ शुरू होता है, जिसकी पावरफुल लाइन है, छत्रपति शिवाजी महाराज को शेर कहते हैं और शेर के बच्चे को छावा। संभाजी महाराज का रोल विक्की कौशल निभा रहे हैं। वो एक बहादुर सैनिक की तरह फाइट करते नजर आ रहे हैं। हजारों सैनिकों से वो अकेले शेर की तरह लड़ रहे हैं। खून से लथपथ विक्की दुश्मनों पर वार करते नजर आ रहे हैं। एक बार तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक्शन की तरह विक्की का लुक भी बड़ा दमदार दिख रहा है। आपने विक्की को इससे पहले कभी ऐसे अवतार में नहीं देखा होगा। टीजर देखने के बाद सेलेब्स के भी होश उड़ गए हैं। भूमि पेडगन ने कमेंट में लिखा, क्या ऐसा कुछ है जो तुम कुछ नहीं कर सकते विक्की? फैब आहना कुमार शोभिता दुखला ने टीजर की तारीफ की। विक्की को इस रोल में देखकर फैंस के तो रोंगटे ही खड़े हो गए हैं। दोस्तों, मूवी में रश्मिका मंदाना छत्रपति महाराज की पत्नी येसुबाई भोसले का रोल प्ले करेंगी। टीजर में रश्मिका की झलक नहीं दिखी है। इस फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले लक्ष्मण ने मिमी लुका जैसी मूवीज बनाई हैं। विक्की और लक्ष्मण ने मूवी जरा हटके जरा बचके में काम किया था। दोस्तों, छावा एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जो छत्रपति संभाजी की जिंदगी को दिखाती है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। फिल्म में अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, दिव्य दत्ता भी अहम रोल में नजर आएंगे। विक्की अपने करियर में अभी तक कई उम्दा रोल प्ले कर चुके हैं। वो हर रोल में बड़ी आसानी से ढल जाते हैं, चाहे वो सैमसंग बहादुर हो या सरदार उद्धम सिंह। विक्की की वर्सलिटी पर फैंस को शक नहीं है। वर्क फ्रंट पर उनकी पिछली मूवी बैड न्यूज़ थी, इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिला था। दोस्तों, फैंस को एक्टर की अपकमिंग मूवी छावा से बहुत उम्मीद है। दोस्तों, आपको कैसा लगा छावा फिल्म का यह दमदार टीजर, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।